केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के व्यस्तम राजपुर रोड पर स्थित एक नामी कंपनी के जेवरात शोरूम में घुसकर 15 करोड़ रुपए से अधिक के हीरे और सोने के आभूषण लूटने वाले गिरोह के तार बिहार से जुड़े होने की संभावना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने अपराध में इस्तेमाल हुई गाड़ी को बरामद कर लिया है। यह दुस्साहसिक वारदात गुरुवार को उस समय हुई जब पुलिस राज्य स्थापना दिवस के मौके पर देहरादून में मौजूद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की वीआईपी ड्यूटी में तैनात थी। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि बदमाश ज्वेलरी शोरूम में दाखिल हुए और स्टाफ को बंदूक की नोक पर बंधक बनाने के बाद गहने बैगों में भरकर मौके से फरार हो गए। साथ ही बताया कि 5 बदमाशों में से 3 ने शोरूम के अंदर घुसकर लूट को अंजाम दिया, जबकि उनके 2 साथी बाहर पहरा देते रहे। पुलिस अधिकारी ने बताया कि बदमाशों की तलाश के लिए पुलिस की 4 टीमें बनाई गई हैं। उन्होंने बताया कि देहरादून के पास स्थित सहसपुर से अपराध में इस्तेमाल 2 मोटरसाइकिल और 1 कार बरामद की गई है। एसएसपी अजय सिंह ने कहा, यह लूट बिहार के गैंग का काम हो सकता है। पहले भी पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और हरियाणा में भी इस कंपनी के ज्वेलरी शोरूम में इसी तरह की लूटों को अंजाम दिया गया है। सिंह ने बताया कि अन्य राज्यों में कंपनी के ज्वेलरी शोरूम में हुई इसी प्रकार की घटनाओं की सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण भी किया जा रहा है। इसी के अलावा देहरादून में घटनास्थल से फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने उंगलियों के निशान ले लिए हैं। देहरादून के एसएसपी ने कहा कि जल्द ही अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। सूबे की राजधानी बीचों बीच हुई इस वारदात का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंभीर संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को मामले के जल्द खुलासे के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने एसएसपी को तलब कर मामले की जाँच की प्रगति के बारे में पूछा और उन्हें अपराधियों को जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दे दिए हैं। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।